शासन संस्कृति विभाग की ओर से इस अवसर विशेष पर स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। आदरणीय दिव्य सज्जनों, मध्य प्रदेश की विकास यात्रा के स्वर्णिम अध्यायों को याद करने का यह अवसर है। यह अवसर है एक बार फिर जब हम पूरे संसार के सिरमौर और प्रज्वलित करें और प्रतिनिधि स्वरूप माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी और हमारे सभी सम्माननीय जनप्रतिनिधि, माननीय मंत्रीगण, सांसद, विधायक, हरे ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रखदशवामरुतः प्रश्नेमातरः शुभञ्जावन्मेष का प्रतीक बनता है। सुख का दाता, सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद, पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश की यशस्वी गायिका सृष्टि सुहासिनी जोशी। आप सबसे निवेदन है अपने स्थान पर मध्य प्रदेश गान के सम्मान में चाहे तो खड़े हों और सुर में सुर भी मिला सकते हैं। मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है, सुख का दाता।
दाता सबका साथी शुभ का ये संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है, सुख का दाता सबका साथी शुभ का ये संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। आदरणीय देवी सज्जनों, सारी दुनिया मध्य प्रदेश के वैभव पर, उसकी संपदा पर निहाल है। मध्य प्रदेश के नैसर्गिक सौंदर्य, ऐतिहासिक विरासत और विविध संस्कृति को टीवी कमर्शियल के माध्यम से पर्यटकों को मोहने के लिए एमपी टूरिज्म मध्य प्रदेश पर्यटन दुनिया भर में मशहूर है। आपको पिछले टीवी से तो याद होंगे ही, एमपी अजब है, सबसे गजब है, दिल देखो ताड़ देखो, एमपी में दिल हुआ बच्चा सा, सौ रंग मलंग हिंदुस्तान का दिल देखा, और पिछले साल आया, जो आया वो वापस आया है, ये है एमपी की माया। आकर्षक, रंगीन और रोचक टीवीसी की किताब में आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से एक नया अध्याय जुड़ रहा है। प्रख्यात फिल्म अभिनेता श्री पंकज त्रिपाठी अभिनीत इस नए टीवी कमर्शियल में राज्य के पर्यटन स्थलों की सुंदरता को एक नए नजरिए से प्रस्तुत किया गया है, जिसे देखने वालों में राज्य को फिर से देखने का जुनून जागेगा, और इसमें राज्य में मनमोहक जंगल, धार्मिक स्थल, ऐतिहासिक धरोहर को भव्य और आकर्षक रूप से दर्शाया गया है। तो पेश है सभी के मन को मोहने वाला और सबको चकित कर देने वाला
एमपी टूरिज्म का नया टीवीसी मोहर यारे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है, रिमोट की बटन दबाकर इस कमर्शियल को प्रदर्शन के लिए इसका आगाज करें और हम सब मिलकर छोटे पर्दे पर इस फिल्म का अवलोकन करें। मां, हाँ आओ अपने सारे किरदार निभाओ। कट 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 कट। पंकज सर, वो ना फील नहीं आ रहा है। कहाँ से आएगा फील? एक तो हमारे पीछे हरा कपड़ा टांग दिए हो और कहते हो ये देखो एमपी। कभी गए भी हो एमपी? ऐसा भी क्या है एमपी में? आगे देखो एमपी में, कारीगरी के गजब नमूने, आंखें भागी मूरत छूने। अब कैसा फील होगा एमपी में? अद्भुत। आगे देखो एमपी में, उज्जैन चले। उज्जैनी की रस्म आरती, जय महादेवा जय महादेवा, शंख मंजीरे करते सेवा। मोहलिया रे मोहलिया रे मोहलिया रे, जय श्री महाकाल। मोहलिया रे महल बुला के, ओरछा छतरी शान दिखा के, मन पैरा मोहलिया तेरी चुप्पी प्रेम सौगात पिया। आप कहाँ? तू जंगल है खामोशी का, तू कारण है मदहोशी का। मोहलिया रे मोहलिया रे मोहलिया रे। सारी सेना एमपी में ही शूट करते। वाह, अच्छा और सच्चा फील आएगा। रोल कैमरा एक्शन। विधायक बैरसिया माननीय विष्णु शर्मा, विष्णु खत्री जी, हमारे माननीय सांसद और पूर्व महापौर श्रीमान आलोक शर्मा जी, पूरे मंच के लिए बजाओ ताली, तो जोरदार बजाओ, रह रहे के नहीं बजना चाहिए, पूरे मंच के लिए। क्या महापौर और क्या सभापति और हमारे भाजपा के अध्यक्ष, एक बार पूरे मंच के लिए जोरदार तालियां। और ताली उस बात के लिए भी जो ये कार्यक्रम के लिए निमित्त हम सब इकट्ठे हुए, आज का स्थापना दिवस का ये आयोजन, जिनकी आवाज से, जिनके बैंड की ध्वनि से एक अलग ही मुकाम तक पहुंचाएगा, श्रीमान अंकित तिवारी जी, जोरदार ताली बजाओ अंकित तिवारी जी के लिए। हम सबका सौभाग्य है 1956 मध्यप्रदेश की स्थापना का पहला साल, और तब से लगा कर के आज तक लंबी यात्रा मध्यप्रदेश ने तय की है। हम सब का अलग अलग प्रकार से अगर इस पूरे राज्य की भूमिका, राज्य का अतीत, हमारी अपने यहाँ की विशेषताएं एक एक करके हर एक पे लंबी बात की जा सकती, लेकिन दीपावली का पावन प्रसंग भी है और साथ ही साथ हमारे राज्य की स्थापना दिवस भी है। हमने 4 दिन का ये उत्सव मनाने का और 5 दिन का दीपोत्सव मनाने का निर्णय किया है। मैं आज के इस अवसर पर खास करके हमारे अपने इस राज्य में, जिसकी अतीत की गौरवशाली लंबी गाथा है, हमारे लिए सौभाग्य की बात है, हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अयोध्या से चल करके वनवास काल में सर्वाधिक समय अगर कहीं गुजारते हैं तो मध्य प्रदेश में चित्रकूट के धाम पे गुजारते हैं। मध्य प्रदेश का अतीत भी इतना गौरवशाली है, यह हमारा सौभाग्य है। और भगवान श्री राम ने दो भाइयों के बीच, दुनिया के कई सारे देश के उदाहरण होंगे, जहां राज्य की हड़प नीति के आधार पर, स्वार्थ के आधार पर
नाना प्रकार से उस स्थान को कई कई कारणों से जाना जाता होगा, लेकिन ये इतिहास भी मध्य प्रदेश की धरती पर है। एक भाई दूसरे भाई के लिए राज्य देने के लिए इतना तत्पर हो जाए, इतना तत्पर हो जाए कि वो अपने उस भाव को प्रकटीकरण राम जी माने नहीं, तो भरत ने अंततः उनकी चरण पादुका सिर पे लगा करके राज्य किया 14 साल तक। ये इतिहास अगर कहीं बना है तो इस चित्रकूट की धरती पे बना है, ये सौभाग्य हमारा है। और इसी प्रकार से भाई भाई के बीच प्रेम कैसे हो सकता है, इससे बड़ा उदाहरण कोई मिलेगा दुनिया में? लेकिन एक नहीं, कई उदाहरण बने। भगवान कृष्ण जिनके जीवन के कई पक्ष है, मैं अभी हमारे अध्यक्ष जी से बता रहा था कि हम कभी कल्पना करें कि 5000 साल पहले भी ये जो गोवर्धन पर्वत उठाने की जो घटना है, उस घटना के पक्ष पे थोड़ी अगर संवाद करके रास्ता निकलवाएं कि इंद्र से भगवान श्री कृष्ण की मत भिन्नता क्या थी, वो क्या अंतर था, क्या कारण था, उसका उत्तर आज भी हमको अपने आप में प्रकृति से जोड़ देगा। वो एक ही कारण था, वो कारण ये था, इंद्र ने कहा कि मैं वर्षा कराता हूं, और भगवान कृष्ण की मान्यता थी वर्षा कराने के लिए जंगल पहाड़ ये प्रकृति का आनंद होना चाहिए। यह संदेश भगवान कृष्ण ने उस समय दिया, और वो प्रकृति प्रेम जो दिखाया है ये हमको आज भी लालायित करता सही बात के लिए। वर्षा कहाँ होती है आप बताइए? तमाम रेगिस्तान जहां होते हैं वहां उमड़ते घुमड़ते मेघ दिखाई नहीं देते, लेकिन जहां हरे भरे जंगल हो, इसीलिए तो मध्य प्रदेश का आनंद है। मध्य प्रदेश के अंदर ये बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं, और खोज का विषय भी हो सकता है, हिमालय गंगा जी का भी प्रवाह का साक्षी बनता है और यमुना जी का भी बनता है, लेकिन वहां जितनी जलराशि इस देश के लिए आनंद बरसाती है उससे ज्यादा जलराशि मध्य प्रदेश में नर्मदा, सोन, चंबल, बेतवा, ताप्ती, इतनी सारी नदियां, इन नदियों का मायका हमारा प्रदेश है। ये गौरवशाली हमारे लिए अपना मौका भी और राज्य पे गर्व करने का कारण भी है। कितनी सारी नदियां हैं, लंबी लाइन है हमारे बीच में, केन बेतवा, और यशस्वी प्रधानमंत्री का अभिनंदन करो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जिनके कारण से नदी जोड़ों का पहला अभियान मध्य प्रदेश से होने वाला है। ये अजूबा भी, नदियां तो बहेगी लेकिन बहती नदियों का उपयोग अपने राज्य के साथ साथ लोगों की बेहतरी के लिए होना चाहिए, और लोगों की बेहतरी में राज्यों की सीमाएं भी बाधा नहीं बने, इसमें संकल्प शक्ति की जरूरत होती है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों मिलकर के बहुत जल्दी केन बेतवा के माध्यम से बुंदेलखंड की पीने की और सिंचाई की दोनों अवस्थाओं में जल की उपलब्धता से एक नया इतिहास बनाएगी। मुझे कहने में थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन 20 साल से पार्वती, कालीसिंध, चंबल, इन नदियों के मामले में मध्य प्रदेश और राजस्थान की आपस की टकराहट ने पूरे क्षेत्र में काफी कष्ट दिए, लेकिन मुझे प्रसन्नता है अब हमने तय किया सरकार बनने के साथ ही कि राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों राज्य की नहीं देश की बेहतरी के लिए हमने MOU किया है, और 70,000 करोड़ की नई योजना बनाई है। जोरदार अभिनंदन करो हमारे आप दीपावली के अवसर पर इस शुभ संकल्प का। कहने के लिए तो बहुत कुछ कह सकता हूं, अपने इस राज्य में किसी बात की कमी नहीं है, लौह अयस्क में नंबर 1 पे है। अपने देश ने क्या अपने राज्यों को अलग अलग स्थान दिया होगा, लेकिन मध्य प्रदेश में हमारी क्या क्या भूमिका है, कितने प्रकार से कह सकते हैं। लेकिन सरकार बनने के बाद भौगोलिक हमारी जो रचना है, प्राकृतिक रचनाएं हैं, इनके साथ साथ प्रशासनिक भी सुदृढ़ीकरण के लिए 55 जिलों की सीमाओं का पुनर्सीमन आयोग हमने अपनी सरकार के गठन के साथ बनाया है कि अलग अलग राज्यों के अंदर जो अलग भौगोलिक सीमाओं के कारण से जिले की, संभाग की, तहसील की रचनाएं बन जाती और वो विकास में बाधा खड़ी करती है, यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से हमने 68 साल बाद लेकिन ये निर्णय किया है कि 55 जिलों की सीमाएं बदलेंगे, हमारे संभाग की सीमाएं बदलेगी, लेकिन विकास के मामले में सरकार कोई कोर कसर बाकी नहीं रहेगी। कहां 2005 तक 5 मेडिकल कॉलेज थे, आज हमें इस बात का गर्व है
अभी परसों दिन धनतेरस के दिन यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से 3 मेडिकल कॉलेज के लोकार्पण के साथ 20-20 मेडिकल कॉलेज आज हमारे पास हो गए। ये 15-20 साल में 15 कॉलेज और आने वाले 2 साल के अंदर 8 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज सरकारी अर्थात 20 और 8 28 और 12 PPP मॉडल पर अर्थात 40 मेडिकल कॉलेज अर्थात 35 मेडिकल कॉलेज 20 साल के अंदर करने वाला एकमात्र राज्य मध्य प्रदेश बनने वाला है जो चिकित्सा सुविधा की नई सौगात देगा। ऐसी एक नहीं कई सारी बातें कह सकते हैं लेकिन आप और हमारे मन में आज तो अपने राज्योत्सव का आनंद छाया हुआ है। अंकित तिवारी जी की पूरी टीम आई हुई है, उसका आनंद हम लेंगे। तो आज के इस अवसर पर पुनः आप सबके प्रति शुभकामना, दीपावली की मंगल कामना, बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। किसी भी राज्य की पहचान नक्शे पर खींच दी गई लकीरों से नहीं होती, उसकी असल पहचान उसकी महान विरासत और सक्षम उत्तराधिकार से होती है। सच्चा नेतृत्व और सामूहिक पुरुषार्थ से ही लिखी जाती है सुनहरी इबारत। माननीय मुख्यमंत्री जी के इस उद्बोधन के साथ अब हम माननीय प्रमुख सचिव संस्कृति पर्यटन श्री शिव शेखर शुक्ला से निवेदन करते हैं, वे इस अवसर पर आप सबका औपचारिक आभार प्रकट करें और अगले चरण की उद्घोषणा भी करें। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के 69वें वर्ष में ये आयोजित गरिमामय कार्यक्रम में अपनी गरिमामय उपस्थिति से हम सबको गौरवान्वित करने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री श्री VD शर्मा जी, माननीय सांसद महोदय श्री विश्वास सारंग जी, माननीय मंत्री मध्य प्रदेश शासन श्री लखन पटेल जी, श्रीमती कृष्णा गौर जी माननीय मंत्री मध्य प्रदेश शासन, माननीय श्री आलोक शर्मा जी सांसद महोदय, माननीय श्री भगवान दास सबनानी जी, श्री रामेश्वर शर्मा जी, श्री विश्व खत्री जी, श्री सुरेन पटवा जी, आओ बनाए अपना मध्य प्रदेश, आओ सवारे अपना मध्य प्रदेश। आदरणीय देवी सज्जनों, सारी दुनिया मध्य प्रदेश के वैभव पर, उसकी संपदा पर निहाल है। मध्य प्रदेश के नैसर्गिक सौंदर्य, ऐतिहासिक विरासत और विविध संस्कृति को TV कमर्शियल के माध्यम से पर्यटकों को मोहने के लिए MP टूरिज्म मध्य प्रदेश पर्यटन दुनिया भर में मशहूर है। आपको पिछले TV से तो याद होंगे ही, MP अजब है, सबसे गजब है, दिल देखो ताड़ देखो, MP में दिल हुआ बच्चा सा, 100 रंग मलंग हिंदुस्तान का दिल देखा, और पिछले साल आया, जो आया वो वापस आया है, ये है MP की माया। आकर्षक, रंगीन और रोचक TVC की किताब में आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से एक नया अध्याय जुड़ रहा है। प्रख्यात फिल्म अभिनेता श्री पंकज त्रिपाठी अभिनीत इस नए TV कमर्शियल में राज्य के पर्यटन स्थलों की सुंदरता को एक नए नजरिए से प्रस्तुत किया गया है, जिसे देखने वालों में राज्य को फिर से देखने का जुनून जागेगा। और इसमें राज्य में मनमोहक जंगल, धार्मिक स्थल, ऐतिहासिक धरोहर को भव्य और आकर्षक रूप से दर्शाया गया है। तो पेशे सभी के मन को मोहने वाला और सबको चकित कर देने वाला MP टूरिज्म का नया TVC मोहलिया रे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है, रिमोट की बटन दबाकर इस कमर्शियल को प्रदर्शन के लिए इसका आगाज करें और हम सब मिलकर छोटे पर्दे पर इस फिल्म का अवलोकन करें। मां, आई थी। आप भी आओ।
ये इतिहास भी मध्य प्रदेश की धरती पर है। एक भाई दूसरे भाई के लिए राज्य देने के लिए इतना तत्पर हो जाए, इतना तत्पर हो जाए कि वो अपने उस भाव को प्रकटीकरण राम जी माने नहीं, तो भरत ने अंततः उनकी चरण पादुका सिर पे लगा करके राज्य किया 14 साल तक। ये इतिहास अगर कहीं बना है तो इस चित्रकूट की धरती पे बना है। ये सौभाग्य हमारा है। और इसी प्रकार से भाई भाई के बीच प्रेम कैसे हो सकता है, इससे बड़ा उदाहरण कोई मिलेगा दुनिया में? लेकिन एक नहीं, कई उदाहरण बने भगवान कृष्ण जिनके जीवन के कई पक्ष है। मैं अभी हमारे अध्यक्ष जी से बता रहा था कि हम कभी कल्पना करें कि 5000 साल पहले भी ये जो गोवर्धन पर्वत उठाने की जो घटना है, उस घटना के पक्ष पे थोड़ी अगर संवाद करके रास्ता निकलवाएं कि इंद्र से भगवान श्री कृष्ण की मत भिन्नता क्या थी, वो क्या अंतर था, क्या कारण था, उसका उत्तर आज भी हमको अपने आप में प्रकृति से जोड़ देगा। वो एक ही कारण था, वो कारण ये था, इंद्र ने कहा कि मैं वर्षा कराता हूं और भगवान कृष्ण की मान्यता थी। स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु प्रखदशवामरुतः प्रश्निमातरः शुभञ्जावानो हरिः ओम। मंगलदीप दान और इसी के साथ मध्य प्रदेश की स्थापना दिवस का गरिमा में समारोह आरंभ हुआ। माननीय प्रमुख सचिव संस्कृति और पर्यटन आदरणीय श्री शिवशेखर शुक्ला से हमारा निवेदन है, माननीय मुख्यमंत्री जी का इस अवसर पर स्वागत करें, अभिनंदन करें। जैसी कि हमारी परंपरा है, ये अभिनंदन के पुष्प भेंट कर हमारे मध्य प्रदेश के विकास के नव स्वप्न दृष्टा प्रदेश के सियासी मुखिया माननीय डॉक्टर मोहन यादव का अभिनंदन। और इसी के साथ हम निवेदन करना चाहेंगे, माननीय मंत्री महोदय का भी स्वागत अभिनंदन, आदरणीय संचालक संस्कृति श्री एन पी नामदेव। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, हमारे बीच आदरणीय डॉक्टर विश्वास सारंग, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय वी डी शर्मा जी, माननीय सांसद महोदय, उनका अभिनंदन स्वागत। इसी के साथ आदरणीय श्रीमती कृष्णा गौर, माननीय मंत्री मध्य प्रदेश शासन, माननीय सांसद, लोकप्रिय सांसद श्री आलोक शर्मा जी, स्वागत अभिनंदन। हमारे माननीय विधायक महोदय और हमारे माननीय अन्य मंत्रीगण श्री रामेश्वर शर्मा जी, इसी के साथ मंच पर उपस्थित हैं आदरणीय विश्वास सारंग जी, भगवान दास सबनानी जी, विष्णु खत्री जी। स्वागत के लिए हम निवेदन करना चाहेंगे श्री अमित कुमार यादव जी, वे भी स्वागत अभिनंदन में शामिल हों। इस वक्त संचालक संस्कृति आदरणीय एम टी नामदेव जी, हमारे सभी मंचासीन अतिथियों का, गणमान्य जनों का मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग की ओर से इस अवसर विशेष पर स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। आदरणीय दिव्य सज्जनों, मध्य प्रदेश की विकास यात्रा के स्वर्णिम अध्यायों को याद करने का यह अवसर है। यह अवसर है एक बार फिर जब हम पूरे संसार के शर्मा और मध्य प्रदेश की महिमा का गान करें, उन सुनहरे अध्यायों को याद करें जहां पर आप सबकी मौजूदगी में, आप सबकी सहभागिता से मध्य प्रदेश विकास के नए चरण नापता रहा है। है निसर्ग का स्वर्ग जहां अनुपम रचना सर्वेश की, यह धरती मध्य प्रदेश की, यह धरती मध्य प्रदेश की। और मध्य प्रदेश अपनी गरिमा, अपनी गति और अपने नवोन्मेष के साथ हमें याद आता है इस अवसर पर, जब तमाम नेतृत्व के विभिन्न प्रतिनिधियों के साथ गुजरते हुए मध्य प्रदेश ने ये स्वर्णिम यात्रा तय की है। मध्य प्रदेश गान इस अवसर पर हमें
बहुत ही समीचीन लगता है जो मध्य प्रदेश की संस्कृति पर्यटन दर्शन धर्म अध्ययन के नवोन्मेष का प्रतीक बनता है। सुख का दाता सबका साथी शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश की यशस्वी गायिका सृष्टि सुहासिनी जोशी। आप सबसे निवेदन है अपने स्थान पर मध्य प्रदेश गान के सम्मान में चाहे तो खड़े हों और सुर में सुर भी मिला। के तिवारी मुंबई से आए हैं भोपाल, अपने सुरों का दरिया बहाने के लिए और उस मुकाम पर ले चलने के लिए जहां पर आप सब मुंतजिर हैं उनकी आवाज के साथ एक सफर तय करने के लिए। आदरणीय दिव्य सज्जनों, आदरणीय श्रोताओं, मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस समारोह और संस्कृति के सुरीले रंगों से सजीला हमारा ये समारोह, ये मंच जो सजा हुआ आप देख रहे हैं, ये मंच मां नर्मदा के किनारे बसे अहिल्याबाई के उस किले का है जो 300 साल पुरानी हमारी स्थापत्य का प्रतीक है। इसी पवित्र स्थापत्य को इस मंच पर परिकल्पित करने की कोशिश हमने की है, याद करने के लिए कि हम मां नर्मदा पुण्य सलीला मां नर्मदा को याद करें जो मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है। और इसी मध्य प्रदेश की यात्रा के सुनहरे अध्याय को याद करने का जब यह लम्हा मुकर्रर होता है स्थापना दिवस के अवसर पर, तब उसे और उरूस पर पहुंचाते हैं अंकित तिवारी जैसे सितारे। गुलों में रंग भरे बादिनों बाहर चले, चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले। अंकित तिवारी, जोरदार तालियों से आइए अंकित तिवारी, हम सब के चाहते गायक का स्वागत करें। मेरा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश।